अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अजीज तुलबा व तालिबात, आप सबका खुशामदीद है हमारे YouTube चैनल जेके बोस फाउंडेशन क्लासेस। मैं हूं ताहिर और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 6 कश्मीरी चैप्टर नंबर 11 जिसके करेंगे आज हम क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो इससे पहले कि अगर वीडियोस नहीं देखे तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो अपडेट करें उसका मिले। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 1 की। वलरस एंड कम तहसील गांव छ आबाद, ठीक है, वलर के इर्द गिर्द किन किन तहसीलों के जो गांव हैं वो आबाद हैं? तो इसका जवाब जो है वो कुछ यूं है, वलरस एंड छ सोपर बंडपोर सुनवर तहसील एक वारिया गांव आबाद, यानी कि वलर के इर्द गिर्द सोपोर बांडीपोरा और सोनावारी तहसील के बहुत सारे इलाके जो है वो आबाद है। सवाल नंबर 2, वलरसर किथ पर्ट गो पुद, ये जो दरियाए झील है जिसे हम दरियाए वलर के नाम से जानते हैं, ये कैसे बना? ब्रोहकल्च संदमत नगर एक खूबसूरत शहर वलरिच जाए उसमें, कहा जाता है कि पहले एक खूबसूरत शहर वलर की जगह आबाद था। एच अथ इलाकस एकलेट खतरनाक बुनुल आमुद, यमकिन सोरी शहर अक्सुन खुड बनोमुत, और जिसकी वजह से ये पूरा शहर जो है एक बह जाता है और ये जमीन के नीचे जमीन बोस हो जाता है और यहाँ पे एक बहुत बड़े डायमीटर का एक जिसे हम कहेंगे कुआं बन जाता है। खोडस आब आब सर विजोमुत तो यह सर छ पत वलर बने होंगे, ठीक, और इसमें से फिर पानी नमोदार हो गया और यही जो सर है बाद में वलर जो है वो बन गया। सवाल नंबर 3, वलर कोता दूर छ श्रीनगर बैठ, तो कहा जाता है कि श्रीनगर से वलर जो है वो कितनी दूरी पे है? इमुक जवाब छ, वलर छ श्रीनगर बैठ तकरीबन 55 किलोमीटर दूर। सवाल नंबर 4, क्राल संगर पेट किमस जियारत, ये जो क्राल संगर है इसके ऊपर किसकी जियारत है? लेसन में हमने पढ़ा था कि क्राल संगर पेट जो बाबा शकुरुद्दीन ऋषि अलैहि रहमान संस जियारत, ठीक। सवाल नंबर 5, जून लांग किम अस बनामच, जवाब जो जून लांग अस लांग अस मशहूर बादशाह जैनुलाबदीन बादशाह बनामच, यानी कि इसको बादशाह ने जो है वो तामीर कराया। वलरस मंज क्या क्या वपदान? वलरस मंज नदर तो गाइड, ठीक है, गाइड वपदान, ठीक है, ये जो फसल है ये वो वाली गॉड और गाइड में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो यम गई बाकी चीज। तम पे सवाल नंबर 3, खली जाए बेयो, मिसाल गोर मेखो आख गोर इत पे गए मेखे चोर गायर इत पे गो मे वुच आख चोर तो लेखो इत पे ये चोर वापस, ठीक है, मैं वो चोर चोर, ठीक, चीम और इसके ऊपर ये वाला और फिर रे और ये इतने पर गो टूर इक्कीस अच पे कुछ आसान आख। यहाँ पे सिंपली आप ध्यान रखोगे यहाँ पे सिंगुलर वर्ड और यहाँ पे ये वाला जो है आप लगा सकते हो टर इतने पर गो टूर बरस च लगित आख तोर टूर, ठीक, इतने पर गो बरस च लगित जताए, हो गया ये। आगे बढ़ते हैं, अलिफ खानस मज दिन अंतन लफ्जन हिंद माने च बे खानस मज दैथ माने तो लफज रलो पान कांदर, ठीक है। यहां पे अगर आप देखोगे कांदर में इसको वर्डिंग के हिसाब से करूंगा ये गो वन कांदर कैसा गो त्वच बनावन वोल तो कनन वोल, ये गोडनिकस, ठीक है। यहां से इसकी नंबरिंग में करके रखता हूं तो आपको ताकि आइडिया हो जाए कि ये किस तरह से मैंने इसकी नंबरिंग जो है वो कर रखी है और इसके हिसाब से अपनी कॉपी या बुक जो है उस पर आप मार्क कर सकते हैं साथ साथ में। कुछ अल्फाज जो आसान है पहले उनको देख लेते हैं। देखो जैसे क्राल हमने लेसन में भी पढ़ा था, दुदगूर, ठीक है, गूर हमने पढ़ा था, छान हमने पढ़ा था, ठीक है। तो ये कुछ अल्फाज हैं जो बहुत सिंपल है। छान गो हच कम करण वोल, यानी कि त्रेम तो त्रेम इज लाइक हच कम करण वोल, ये गो त्रे, ठीक है। इतने पर गो क्राल
کترو بان بناون وول ستمس کیا لگ کترو بان بناون وول یہ کیسا گو ستمس ٹھیک اتے پوٹ گو کھار کھار کیسا گو شیم یہ شستر سامان گرن وول نمبر سکس ٹھیک گور کیسا گو دود کنن وول ٹھیک یہ گو نمبر چور دود کنن وول اتے پوٹ کیسا گو اب کون سا بچا اس میں سے سنر گو سن سن کام کرن وول اٹمس لگ یہ नेक्स्ट गो खार हो गया क्रार हो गया सिनर हो गया गूर हो गया चान दुध गूर ठीक तो दुध गूर कैसा गो अच्छा गोपन रचन वोल ठीक है तो आप या तो अगर हम देखते हैं जनरली दुध गूर से बना दुध कनन वेलस ठीक है तो आप यहाँ पे ये एक चीज में आप अच्छे से ध्यान रखोगे यहाँ पे ये वाला दुध गूर से लगी हुई अच्छा तो ये जो है दुध गूर गो फाइव ठीक है तो ये आपका फिफ्थ वाला हो जाएगा दिस इज योर फिफ्थ वन तो गूर कैसा गो कहाँ पे था ये गोपन रचन वाली ठीक है तो ये कैसा गो सब्जी को ठीक है तो ये हो जाता है हमारे सारे जो है वो मुकम्मल यहाँ पे पांच चार और ये सारे ठीक है तो हो गया ये तो दैट्स इट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट है खाली जय बरियु गास मोदान लेरन कशीर तो बिन बिन ठीक छा अभी जानवर च बिन बिन किस में ठीक तो ये आ जाएगा पहले में वलरिज गाइड च सरसी कशीर मज मशहूर तो दो मज च ये नंबर टू गाइड हंस च लक्षचन लक्षचन डैश डैश मज रोजान लक्षचन लक्षचन लेरन मज रोजान यानी कि लकड़ लकड़ मकान लग त्रेमिस बचा ये गो ऑटोमेटिकली नंबर फोर वलरस एंड एंड सठा बड़ मैदान या घास मैदान लफज रलयु तो बनयु पूर लफज मिसाल के तौर से तेल बल इतने गो समन बल अगर ये रलाओ अत सी ये बन इत पे समन तो बे गो बल ठीक इतने पे गो यार बल ठीक इतने पे गो वर बल रलवित लेखन तो मिजार बल ठीक मजार बल आगे बढ़ते हैं वलरस च कशीर हिंद मशहूर सर वलरस च कशीर हिंद मशहूर सर अमप सिनिस रियासतस मज च बेई ते के मिसाल डल नगीन मास्टर जी एस निश करियो शेन खास सरन हिंद नाव मालूम मालूम ठीक जवाब होकर सर گو اخ مانسبل کیسا گئی زتھے پٹ گو تار سر وولر آچار ڈل نگین سر یم چھ بی کیسا جو کہ اس کے آنسرس ہیں کچھ ایسی ندیوں کے تو آپ لکھ سکتے ہو پرتیکس انوانس تحت لکھو صرف چور چور جمل گائر پچھن تو ولرچ گائڈ گائڈ آگے بڑھتے ہیں گائڈ چھ ڈلس مز وبدان یم چھ کھینس مز واریاہ میٹ آسان یمن چھ پیٹ کنڈ آسان یم چھ یمان کنڈ تلت کھین تو بزت تے ٹھیک چھا یعنی کہ ان کو بون کے بھی کھایا جا سکتا ہے اور وہ اتار کے بھی پچھن چھ اک آبی جانور پچھن جانور چھ ولرس مز نظر گسان پچھن چھ والوش سے رٹنے یوان یمن ہن شکار چھ وارہن لکن ہن اوزک ٹھیک تو یہ آپ یاد رکھ سکتے ہو اتنے پٹ گو ولرچ گارڈ ولرچ گارڈ چھ سرسی کشیر مز مشہور گو اخ یمن ہند رنگ چھ سیاہ کرہن آسان یم چھ ولرس مز سلب سلب دستیاب گسان یم چھ صحت خاطر اخ مفید یا مقوی طاقت دن وول غذا تہ آسان آگے بڑھتے ہیں اور ٹھیک پچھن تہ آبی جانور ہاں تو یہاں پہ ہمارا جو لیسن ہے وہ ہوتا ہے کمپلیٹ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ لیسن اچھے سے سمجھ آیا ہوگا मिलते हैं एक नए वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे आपके क्लास का चैप्टर नंबर 12 यत्स नाउ शुड मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।